जबलपुर में ईओडब्ल्यू की दबिश के बाद जर्मनी से लौटे विशप पीसी सिंह को नागपुर एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। ईओडब्ल्यू की टीम विशप को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जल्द ही उसे जबलपुर लाया जाएगा। पिछले हफ्ते ईओडब्ल्यू ने विशप पीसी सिंह के घर पर छापा मारा था, जिसमें ट्रस्ट संस्थाओं की लीज रिन्यूअल में धोखाधड़ी, 7 करोड़ से अधिक का टैक्स न चुकाने के मामले सामने आए। विशप ने छात्रों की स्कूल फीस में 1,000 करोड़ की हेर फेर कर धार्मिक संस्था और खुद पर खर्च किए। सूत्रों के मुताबिक जर्मनी से लौटे नागपुर एयरपोर्ट से ईओडब्ल्यू की टीम ने पीसी सिंह को हिरासत में ले लिया है। पीसी सिंह का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। इसी के साथ चर्च के मौजूदा मॉडरेटर डीजी भांबल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पीसी सिंह के खिलाफ सीबीआई या ईडी से जांच कराने की मांग भी की थी। जानकारी के मुताबिक विशप डॉन दाऊद इब्राहिम के राइट रियाज भाटी का करीबी है। विशप ने 2017 में मिशनरी की मुंबई स्थित जिमखाना की जमीन का सौदा रियाज भाटी से 3 करोड़ रुपए में किया था। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने सौदे का एग्रीमेंट रियाज भाटी के पास से जब्त किया है। सूत्रों की माने तो विशप पीसी सिंह ने धर्मांतरण के बाद ईसाई धर्म अपनाया था। मुंबई में जॉन विल्सन कॉलेज एंड सोसाइटी के नजदीक की जमीन पर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीएनआई ने जिमखाना बनाया हुआ है। सीएनआई सीनेट में विशप पीसी सिंह भी मेंबर थे। इस दौरान उन्होंने रियाज भाटी से उस जमीन का सौदा किया था। इस बीच मुंबई पुलिस ने रियाज भाटी को गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो उस सौदे का एग्रीमेंट मिला था, जिसे पीसी सिंह ने फर्जी करार दिया था। 9 जुलाई को यूएनसीआई चर्च यूनियन फाउंडर मिशन ट्रस्टी बोर्ड की मीटिंग बुलाकर उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया था। ये कार्रवाई चर्च के धार्मिक कार्य और चर्च की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए किया गया। इसके बाद 31 जुलाई को ट्रस्ट की आम सभा की मीटिंग बुलाकर उन्हें निलंबित कर दिया गया। बहरहाल हेर फेर के आरोप में बिशप को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है, जिसमें बड़े खुलासे होने की भी संभावना है।